All right, now let's cut across live to Prashant Bhushan. We are expecting Prashant Bhushan as well as Shanti Bhushan both to speak out. They have certain revelations to make. Let's quickly listen in. Pankaj Gupta, Ashish Khaitan aur Dinesh Waghela ji kahe jate hain ki unhone faisla liya ki mujhe Yogendra Yadav, Anand Kumar aur Ajit jha ko पार्टी से निकाल दिया जाए। ये फैसला जो उन्होंने हमारे पास भेजा है उसमें ये भी नहीं लिखा कि हमने जो व्यवस्थित डिटेल जवाब दिए थे, मैंने, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, उसकी क्या काट पार्टी को मिली। हमने उसमें ये लिखा था कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, यानी कि पंकज गुप्ता और आशीष खेतान ने कई सारे आरोप हमारे ऊपर पहले ही लगाए थे जो उनके शो कॉज नोटिस में लिखे थे, वही लोग हमारे ऊपर फैसला करेंगे। ये तो कोई भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ है। और वही लोग, यानी पंकज गुप्ता और आशीष खेतान, जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग चुके हैं, 2 करोड़ के फर्जी कंपनी से चेक लेने के, नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी के निर्णय को कार्यान्वित ना करने के, और एक पेड न्यूज़ का आर्टिकल एसआर कंपनी के फेवर में लिखने का, यही लोग हमारे ऊपर फैसला करेंगे। हमने उसमें अपने रिप्लाई में लिखा था, जो सारे चार्जेस थे उसका जवाब दिया था, और ये लिखा था कि भाई हम तो जो काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वराज अभियान का, चाहे पार्टी के भीतर पार्टी को अपने उसूलों पर वापस लाने का, ये सब तो काम पार्टी की आत्मा को बचाने के लिए है। और जो लोग पार्टी के विजन का, पार्टी के संविधान का, पार्टी की आत्मा का उल्लंघन कर रहे हैं, और जिन्होंने आत्मा को ही त्याग दिया है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के बजाय हमारे ऊपर लिया जा रहा है। अब तो यही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी पर जो लोग काबिज हैं वो अब आप नहीं, एक खाप पंचायत बन चुकी है। और उस खाप पंचायत में एक तानाशाह है, और उस तानाशाह के आदेशों के हिसाब से बाकी जो खाप पंचायत के मेंबर हैं वो उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनकी जी हुजूरी करते हैं। चलिए, 2 महीने लगे इस नौटंकी को, 26 फरवरी से शुरू हुई थी जब हमको नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाला गया, निकालने की कोशिश करी गई। उसके बाद पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से निकाला गया, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाला गया, अब चलिए पार्टी से भी निकाल दिया गया है। चलिए, कम से कम ये नौटंकी तो ख़त्म हुई। हमारी पार्टी के संविधान में लिखा है कि इस नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी के आदेश के खिलाफ कोई भी जना लोकपाल को अपील कर सकता है, लेकिन लोकपाल को तो इन्होंने हटा दिया। वही लोकपाल एडमिरल रामदास, हमारे नौसेना के मुखिया, जिन्होंने इतना अपना सारा समय इस पार्टी को बचाने के लिए लगाया, जो कि उस नेशनल काउंसिल की मीटिंग को अटेंड करना चाहते थे, उनको मना कर दिया गया कि आप मत अटेंड करिए, और उसके बाद उनको बर्खास्त कर दिया गया। और पार्टी के संविधान में लिखा है कि नया लोकपाल भी पुराने लोकपाल के कहने पर और उनकी सहमति से बनाया जाएगा, लेकिन उस सब को ताक पर रखकर पार्टी के मुखिया ने कोई नए लोकपाल का गठन कर दिया। अब हाँ, इस सब के खिलाफ हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें, पूरा सिलसिला नेशनल काउंसिल की मीटिंग से सारा गैर संवैधानिक रहा है, और ये जो नेशनल डिसिप्लिनरी कमेटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया, ये भी
गैर संवैधानिक है। लेकिन हमारे पास सवाल ये है कि क्या हम अपना समय, अपनी ऊर्जा इसको, इससे कोर्ट में लड़ने के लिए खपा सकते हैं क्या? या क्या हमें, जो हमने स्वराज अभियान का जो गठन किया है, स्वराज अभियान को घोषित किया है कि पार्टी के उन्हीं उसूलों को के तहत, स्वराज के तहत पारदर्शिता के साथ उन देशभक्त और आदर्शवादी युवकों की ऊर्जा इस अभियान को चलाने में, देश के बड़े बड़े समस्याओं से लड़ने के लिए और इस देश में सिस्टेमिक रिफॉर्म्स यानी कि बड़े बड़े सुधार करने के लिए उस ऊर्जा को लगाया जाए। हम लोग यही करेंगे, इसी हिसाब से चलें। प्रशांत सर, क्या आप कोर्ट में नहीं जाएंगे? जैसा आप अभी संकेत दे रहे हैं, ना लोकपाल को शिकायत करेंगे ना कोर्ट में जाएंगे, आप यहाँ पे मतलब निर्णय मान के अभी चुप? देखिए, लोकपाल तो इन लोगों ने बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से बदल दिया। एडमिरल रामदास लोकपाल थे, उनको बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से हटा दिया गया और नया लोकपाल खुद ही अपॉइंट कर दिया बगैर पुराने लोकपाल से पूछे। मतलब हर चीज़ गैर संवैधानिक। हम कोर्ट में जा सकते हैं, देखिए इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये सारा सिलसिला गैर संवैधानिक, गैर कानूनी हुआ है। लेकिन क्या हम अपना समय और अपनी ऊर्जा कोर्ट के चक्कर में खपाना चाहते हैं ऐसे मामले में, जिसमें कि हमको अपनी ऊर्जा और जो देशभक्त वॉलंटियर्स हैं देश में, जो सारे देश के कोने कोने से इकट्ठा होकर स्वराज संवाद में आए और जो बैठे हैं, जो आज इससे बहुत ही जिसको कहते हैं कि डिस्पिरिटेड, डिस्पोंडेंट फील कर रहे हैं कि भाई किस आदर्श के साथ इस पार्टी को बनाया गया था और पार्टी को आज कहाँ पहुँचा दिया गया है, कहाँ ले आया गया है। जो लोग इस पार्टी के ऊपर काबिज हैं, जो ये खाप पंचायत आज इस पार्टी के ऊपर काबिज है, उन लोगों ने क्या कर दिया इस पार्टी का, उन लोगों की ऊर्जा हम तो एक पॉजिटिव चीज़ में लगाना चाहते हैं, इसी को अपने आम आदमी पार्टी के आदर्शों को आगे बढ़ाने के। क्या सर, इसी संकेत आपको लगता है सब कुछ प्लान तरीके में ये कह रहे हो किया गया है और इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? ये तो साफ जाहिर था, जब 26 फरवरी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, उसी समय जब बहुत सारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के लोग अरविंद केजरीवाल के घर मिलने गए थे, जिसका हवाला आनंद कुमार जी ने अपने जवाब में दिया है, तब अरविंद केजरीवाल ने बहुत चिल्लाकर ये बोला था कि मैं इनके साथ अब नहीं काम कर सकता, इनको पार्टी से हटाना पड़ेगा। तो ये साफ जाहिर था कि उसकी स्क्रिप्ट ये नौटंकी चलनी थी, 2 महीने चली कि एक बार पीएससी से हटाया गया, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव से हटाया गया और फिर अब पार्टी से हटा दिया गया। क्या आप नया दल सेंस ऑफ लॉस एंड रिग्रेट दैट यू गिव सो मच टू द पार्टी, यू बिल्ड इट अप फ्रॉम स्क्रैच एंड टुडे यू फाइंड आउट थ्रोन आउट ऑफ द पार्टी, इज देयर अ सेंस ऑफ लॉस एंड रिग्रेट आल्सो? देयर इज सर्टेनली अ सेंस ऑफ वेरी डीप रिग्रेट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी पर्सनल लॉस, दीज आर नॉट पर्सनल इश्यूज, दीज आर इश्यूज इन्वॉल्विंग the entire country, involving public interest and most of all involving the spirits, sentiments and the energy of lakhs of people, lakhs of volunteers who came out of their homes for the first time in their lives in order to participate in something big. They had a dream of changing this country for the better, of taking this country forward on a new path, of creating a vehicle for alternative politics. But unfortunately, all those dreams now appear to be shattered at the hands of that small coterie and one dictator who are today controlling this party. अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 50% जो वादे हैं वो तो पूरे कर ही लेंगे 5 साल में, आपको क्या लगता है कि वो राजनीतिक जुमला था जो चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि सारे वादे पूरे करेंगे? देखिए, मेरी शुभकामनाएं हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के साथ।
जितने वादे वो पूरे कर पाए उतनी अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वादे पूरे करें। अब आगे देश देखेगा कि कितने वादे पूरे होते हैं, किस तरह से सरकार चलती है। नए पार्टी बनाने की तरफ बढ़ेंगे? जो आपने स्वराज अभियान चलाया था, क्या वो पार्टी का रूप लेगा? नहीं नहीं, देखिए ये तो हम लोगों ने साफ कर दिया था कि स्वराज अभियान कोई पार्टी नहीं है और पार्टी अभी नहीं बनने वाली है। अब की बार वो गलती नहीं होनी चाहिए जो हम लोगों ने पिछली बार करी। अब की बार पहले जो भी संगठन बनता है स्वराज अभियान का, उसको हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये संगठन पारदर्शी तरीके से, जिसमें पूरी जवाबदेही हो, जिसमें पूरा आंतरिक लोकतंत्र हो और स्वराज के हिसाब से इसको हम चला पा रहे हैं, और उसके बाद कि ये अभियान जो है देश के बड़े बड़े मुद्दों से जूझ कर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके देश को एक नया रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। जब वो सब हो जाएगा उसके बाद इसकी समीक्षा करी जाएगी कि क्या इसको पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ज़रूरत है कि नहीं। I have pointed out in my reply as well as in my open letters, etc., how I tried my best within the party to try and ensure that the party functions at least minimally according to the principles, according to the founding principles and ideals of the party. When I found that that was not being done, I had to threaten that, look, I will now have to resign and make the reasons for my resignation public. At that time, a sort of hasty compromise was arrived at, that all right now the complaints against candidates would be referred to the Lokpal and the other issues of systemic reforms would be addressed immediately after the elections in the national executive. But unfortunately, instead of addressing those issues of systemic reforms immediately after the elections, Arvind Kejriwal issued a diktat that Yogendra Yadav and I must be removed from the party. I mean, if this is how the issue of whether the party would remain true to its founding principles is going to be dealt with, then what is to be done? And if what are we doing? They are removing us from the political affairs committee, then from the national executive, and now from the party itself. Unfortunately, those members of the National Disciplinary Committee and other office bearers of the party seem to have mortgaged their conscience, seem to have completely stilled their inner voice, and seem to have lost all sense of self-respect and shame when they are willing to just fall in line and do whatever the party supremo or dictator asked them to do. Do you now feel that you should have spoken out?